हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। एंड आज मैं आप लोगों को गैस कीजिए ब्लू हेवन पिक्चर की रिव्यू देने वाली हूँ। तो उससे पहले, आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूल। एंड मेरे वीडियो को कैसा लगा कमेंट भी करना ना भूलें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट कमेंट नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, तो प्लीज़ कंजूसी ना किया करो, एक लाइक ठोक दिया करो। ब्लू हेवन मेकअप फिक्सर मिस्ट स्प्रे ऑन फार्मूला, ये ब्लू हेवन का मेकअप सेटिंग स्प्रे है। आप लोग जब मेकअप अप्लाई करते हैं तो हमें अपने फेस को, मेकअप को मतलब लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, मेकअप सेटिंग स्प्रे की। आप लोग कोई सा भी मेकअप सेटिंग स्प्रे ले सकते हैं, बस वो अच्छी क्वालिटी और अच्छे ब्रांड की होनी चाहिए। तो मुझे ये मेकअप सेटिंग स्प्रे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जब इसको मैंने लिया ना, इसको जब मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा, एंड ये मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग स्टे किया। एंड ये मेकअप सेटिंग स्प्रे बहुत ही अच्छा है एंड पैराबिन फ्री भी है। इसमें पैराबिन बिल्कुल भी नहीं है एंड गुडनेस ऑफ एलोवेरा, विटामिन ई एंड विटामिन B5। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें एलोवेरा ऐड किया गया है एंड विटामिन ई है, विटामिन B5 है इसमें, जो हमारी स्किन के लिए बेस्ट है। एंड और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे इंडिया में बनाया गया है, ये मेड इन इंडिया है, यहाँ पे ये दिया गया है। शायद आप लोगों को मैं पास से दिखा देती हूँ, ये मेड इन इंडिया है। एंड इसका प्राइस 300 रुपीज़ है बट ये मुझे डिस्काउंट में 249 रुपीज़ का मिल गया है। एंड इसे मैंने ऑनलाइन परचेस नहीं किया, अपने घर के थोड़ा मार्केट से ही बाय की हूँ इसे मैं। एंड ये मेकअप सेटिंग मुझे बहुत ही पसंद आया, स्प्रे सॉरी मेकअप सेटिंग स्प्रे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड इसकी क्वांटिटी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसकी क्वांटिटी 100 ml एंड इस पर 50 ml फ्री दिया गया, मतलब 150 ml इसकी क्वांटिटी है, यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं 50 ml एक्स्ट्रा दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। तो चलिए इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये अंदर से कुछ ऐसा दिखने में है। एंड ये पर्पल कलर का कांच का बोतल है, ये कांच का बोतल है। एंड इसका बॉक्स भी पर्पल कलर, पर्पल एंड गोल्ड कलर है ये, और इस पे सिल्वर कलर में लिखा हुआ है। एंड इसका कैप आप लोग देख सकते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात ये दो कैप दिए गए हैं, एक ये बड़ा वाला एंड इसके बाद हम ऐसे इसको निकालेंगे। हम लोग आराम से दो कैप ही, ये हमारे प्रोडक्ट को ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होगा। तो एक कैप ऐसे निकाला, एक ऐसे निकाला, जब हमें इसको रखना हो अप्लाई करने के बाद इसको दो कैप लगा के फिर इसको कहीं भी हम लोग रख सकते हैं। तो इसको मैं अप्लाई करके भी दिखाती हूँ आप लोगों को। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्मेल नहीं है, बहुत ही लाइट सा स्मेल है। एंड जैसा मुझे पसंद है ना, मुझे ज़्यादा हार्ड स्मेल नहीं पसंद है, क्योंकि मैं ज़्यादा हार्ड स्मेल का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना तो मुझे सर में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर लाइट ही स्मेल का परफ्यूम या मेकअप सेटिंग स्प्रे ये सब मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये सब मुझे अप्लाई करने से कोई सर में दर्द नहीं होता है। एंड इसको कैसा यूज़ करना है ये भी मैं बता देती हूँ, हमें इसको अपने फेस पे स्प्रे करना है एंड हमें अपने आईज पे स्प्रे नहीं करना है। एंड स्प्रे करने के बाद हमें कम से कम इतनी सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए, तब हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे ना तो ये हमारे पूरे फेस पे आ जाएगा। अगर पास से करेंगे तो ये एक ही जगह प्रोडक्ट लग जाएगा, पूरे फेस पर ये नहीं होगा, क्योंकि ये स्प्रे है तो इसको हमें जब भी अप्लाई करना होगा दूर से ही अप्लाई करना, कम से कम इतना दूर से ही अप्लाई करना होगा। एंड और हमें फिर इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है ताकि ये मेरी स्किन, हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। फिर उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर्स ऐसे ऐसे डैप कर फिर इसको अच्छे से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब और कर लेंगे, फिर ये मेरी मेकअप को या आप लोगों के मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। इसके इंग्रेडिएंट भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक्वा वाटर, एल्कोहल, ग्लिकॉल, कोपो, एलो लीफ एक्स्ट्रैक्ट, कैस्ट्रो ऑयल एंड विटामिन ई और भी इसमें ऐड किए गए हैं। एंड इसकी एक्सपायर डेट 2023 है,
इसको हम लोग आराम से 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, कोई भी मेकअप सेटिंग इस पर 3 साल चलता नहीं है। और 100 ml अगर एक लोग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर्स या 2 ईयर्स चला सकते हैं, 3 ईयर्स तो नहीं चल सकता। आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक से एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मेरे वीडियो को फुल वॉच करें एंड शेयर भी करें, उसके बाद ही कमेंट करें। चलिए अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।